सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था कि हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो आपने चेकआउट नहीं किया तो मैं लिंक दे दूँगा आई बटन पर, वो उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड मैंने बताया था शॉर्टकट तरीके से कि कोई भी मैट्रिक्स, अगर फॉर एग्जांपल ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, कोई भी अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने हमको पूछा है कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही बताया कि चाहे 2x2 हो या 3x3 हो, उसका मैंने शॉर्टकट तरीका बताया कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए का बताओ डिटरमिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। अब आपके पास एक तरीका है कि आप अगेन इस मेथड से आपने ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था, उसी मेथड से आप एडजॉइंट ए का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका, जिससे अगर आपको सिर्फ उसके मैट्रिक्स से मेन मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट अगर आपको पता है तो एडजॉइंट ऑफ ए का आप सिर्फ 5 सेकंड में डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था, पहले भी ले लेता हूँ इस बार। अगर कोई एक है मैट्रिक्स है, ठीक है, 1, 2, -1, 0, 1, 2, 1, -2, n1। ठीक है, अब आपको पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, सो ये सब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ए को एडजॉइंट ऑफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इसे एक एग्जांपल में बताता हूँ कि आप एडजॉइंट ऑफ ए के फाइंड आउट करके उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा जिससे कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, पर एक इस एक एग्जांपल में बता देता हूँ। देखिए, इसके एडजॉइंट क्या होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहले तो उसके लिए मैंने आपको बताया था इन सब का पहले आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो आई एम श्योर आपको सबको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर बता रखा है। ठीक है, सो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ इस वीडियो में आपको मैं शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ जिसकी बदौलत आप ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसी एग्जांपल लेके मैंने प्रीवियस वीडियो में एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, सो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 5, 0, 5, 2, 2, -2, -1, 4, 1। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या होगा, मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था उसी मेथड से मैं करूंगा। पहले इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 × 2 × 1 = 10, प्लस ये दोनों और इनका 2 × 4 × 5 कितना होगा, 4 × 2 = 18, 14। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में हमेशा तीन टर्म आने चाहिए, ये 3, 1, 2 और ये 3, ये 1 और 1, 2, -1 × 0 - 2 + 0 होगा। ठीक है, अब इस डायगोनल को लेंगे माइनस करके, 5 × 2 × -1 = -10, सो -10 हो जाएगा, माइनस ये दोनों और ये सिंगल, 4 × -2 × 5 - 40 हो जाएगा, -2 × 0 × 1 क्या होगा, 0। ठीक है, सो ये क्या होगा, 40 + 10 = 50, ये भी 50 हो जाएगा, तो हुआ क्या, 100। ठीक है, ये किसका आया, एडजॉइंट ऑफ ए का हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, अब मैं ए का फाइंड आउट करता हूँ, ए का देखते हैं क्या आता है, यही पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 × 1 × 1, 1, प्लस ये 2 और ये 0 मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 1 और ये 2 × 2 = 4। अब माइनस होगा इन तीनों का, -1 - -2 × 2 × 1 - 4 -1 × 2 × 0 = 0। ये आप देखिए कितना होगा, 5 + 5 ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 100 का डिटरमिनेंट क्या आया, 10। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या आएगा, 100 आया। ठीक है,
अब मैं पूछूं आपसे, एडजॉइंट ऑफ ए इसका क्या होगा, मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए जो आया उसका भी एडजॉइंट, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ए का 10 है, अब एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन रेस टू आर, समझ में आ रहा है, एन माइनस वन रेस टू आर। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए टिल आर टाइम्स ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन रेस टू आर। ठीक है, अब यहाँ पर n और r क्या है, ये तो पता है, ये क्या होगा डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, n n क्या है, n है जो इस डिटरमिनेंट a का डायमेंशन होगा, मतलब ये डिटरमिनेंट जो हमने पहले बताया a क्या था, 3x3 था। ठीक है, 3x3 था, तीन रो थी और तीन कॉलम थी, सो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 होगा, अगर ये 2x2 होता तो n इज इक्वल टू 2 होता। और r क्या है, आर मतलब ए के आगे जितने बार भी एडजॉइंट लिखा हुआ है वो आर की वैल्यू होगी, इस केस में आर इक्वल टू 1 होगा, इस केस में दो बार एडजॉइंट है तो आर इक्वल टू 2 होगा। अब यहाँ पर एडजॉइंट आर बार है तो आर होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब हम इसका एग्जांपल ले तो एडजॉइंट एक बार है तो आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से हमारे एडजॉइंट ऑफ ए 100 आता है वैल्यू, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 10, एन माइनस वन मतलब 3 माइनस 1 2, आर की वैल्यू 1, तो 10^2 क्या 100 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसमें एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन तो सेम होगा 3, जो एक का डायमेंशन होगा वही इस एडजॉइंट ऑफ ए का आएगा और वही एडजॉइंट ऑफ ए का है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू इसमें क्या होगी, दो बार एडजॉइंट है मतलब 2, और यहाँ पर एन जो होगा वो हमेशा एक का ही होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का नहीं होगा और इस एडजॉइंट ऑफ ए का भी नहीं होगा, जो डायमेंशन ए का है वही होगा और आर जितनी बार एडजॉइंट है वो लिखेंगे, यहाँ पर दो बार है तो आर इज इक्वल टू 2। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए 10, एन माइनस वन 3 माइनस 1 2, आर की वैल्यू 2, सो 2^2 4, 10^4 मतलब 10,000। सो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी एडजॉइंट ऑफ ए की। ठीक है, सो इस तरह से अगर आप एडजॉइंट कितने भी बार हो, 3 बार हो तो आर इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, 4 बार होगी तो 4 ले लेंगे, उस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो ये बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का फाइंड आउट करने का। ठीक है, आई एम श्योर आपको यह पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो उससे भी देख सकते हैं। Thank you so much for watching this video.